हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वी एम एकेडमी क्लासेस नासिक हम देख रहे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द ट्वेल्थ साइंस और ट्वेल्थ साइंस का हम देख रहे चैप्टर नंबर टू सॉल्यूशंस तो एक बड़ा टॉपिक है और मैं छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको ईजी लगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं हम तो आज का लेक्चर नंबर ट्वेल्व हम देख रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आज हमें थर्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसे डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं इसका आज हम पार्ट वन देखेंगे पार्ट वन में हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है डायग्राम के साथ इसे एक्सप्लेन करेंगे और कुछ जो एक्सप्रेशन है फॉर्मूले उनको डिराइव करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विथ वी एम अकेडमी नासिक आज के लेक्चर में हमें देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है पहले दो हम देख चुके हैं पहला हमने देखा था वेपर प्रेशर लोअरिंग दूसरा हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन आज हमें देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डिक्रीज होना तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा लिक्विड का होगा तो क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर एट देयर इक्विलिब्रियम तो कोई भी लिक्विड फ्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है एच टू ओ लिक्विड तो आइस में कन्वर्ट होगा वो तो यहाँ पे क्या होगा लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा एट सेम टाइम सॉलिड फॉर्म क्या होगा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा जब ये इक्विलिब्रियम रीच करेगा मतलब जितने लिक्विड पार्टिकल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे उतने ही सॉलिड पार्टिकल जब लिक्विड में कन्वर्ट होंगे इन दोनों फेज का वेपर प्रेशर क्या होगा सेम होगा लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जब सेम हो जाएगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड तो डेफिनेशन क्या होगी इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर एट इन इक्विलिब्रियम एंड दीज टू फेजेसर प्रेशर दोनों अपने पे होंगे और दोनों का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का जब सेम होगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे तो अभी हमें देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन इसपे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दो मार्क के लिए तो देखो ये भी डिफरेंसी होगा जैसे हमने बॉयलिंग पॉइंट इलेवेशन देखा था ये भी डिफरेंसी होगा इट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन होलाटाइल सोल्यूट तो सॉल्वेंट का जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट हाइयर होगा क्या होगा नॉन होलाटाइल सोल्यूट एड करने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया डिप्रेस हो गया तो so, डिप्रेस हो गया मतलब क्या होगा डिक्रीज हो गया तो वो रिड्यूस हो गया तो so, so, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो इसे डेल्टा टी एफ से डिनोट करते तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉड एफ माइनस टी एफ यहाँ पे ये क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉड एफ क्या है यहाँ पे इट इज द फ्रीजिंग मैं सिर्फ एफ लिख रही हूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलवेंट जो प्योर सोलवेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें अभी तक हमने नॉन होलाटाइल सॉलवेंट को ऐड नहीं किया है और टी एफ क्या होगा इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दैट कंटेन द नॉन होलाटाइल सोलवेंट जिसमें क्या है सोल्यूट प्रेजेंट नॉन होलाटाइल सोल्यूट क्या होगा उसके पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा डेल्टा टी एफ होगा जिससे हम क्या कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन कैसे करोगे द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलवेंट टू दैट ऑफ दोल्यूशन सोल्यूशन है विच कंटेनिंग नॉन होलाटाइल सोल्यूट इसमें नॉन होलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया डिक्रीज हो गया और सॉल्वेंट का क्या होगा हाइयर होगा इसे हम क्या कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ऐसे पता चला है ऑब्जर्वेशन से मतलब एक्सपेरिमेंट से जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का वो क्या होता है लोवर uh, हो जाएगा बाय डिजोल्विंग नॉन होलाटाइल सोल्यूट तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का होता है जिसमें नॉन होलाटाइल सोल्यूट क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं तो अगर हम प्योर सॉल्वेंट का देखें ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा हाइयर होगा दैन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्यों क्योंकि नॉन होलाटाइल सोलूट ऐड करने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया डिक्रीज हो गया जिससे क्या कहा जाता है डिप्रेशन कहा जाता है तो अभी तक हमने जो तीन पॉइंट देखे हैं तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी है तो सॉल्वेंट पे क्या इफेक्ट होता है देखो जब भी हम सॉल्वेंट में क्या करते हैं नॉन होलाटाइल सॉल्वेंट सोल्यूट को ऐड करते हैं नॉन होल सोल्यूट के एग्जाम्पल पता है यूरिया सुक्रोज ग्लूकोज ये क्या है सॉल्ट no, भी नॉन होलाटाइल सोल्यूट को जब ऐड कर दोगे इसमें तो क्या इफेक्ट होता है इस पर देखो इस इसपे सबसे एडिशन करने के बाद सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा इसे कहा जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिक्रीज लिखो या फिर लोवरिंग भी कह सकते हो दोनों का मीनिंग क्या है सेम ये पहला इफेक्ट हुआ दूसरा इफेक्ट क्या हुआ यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज होगा जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का ये सारे इफेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं सोल्यूशन पे इन दोनों के मिक्सचर से जो सोल्यूशन बनेगा उस पर ये इफेक्ट इंक्रीज होगा इसे क्या कहा जाता है इलेवेशन इलेवेशन मीन्स इंक्रीज और तीसरा इफेक्ट क्या हुआ देखो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया डिक्रीज हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट हुआ ये फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया जिसे क्या कहा जाता है डिप्रेशन डिप्रेस्ड होना मतलब कम होना तो ये तीन इफेक्ट हुए जब हमने क्या है प्योर सॉल्वेंट में क्या कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन में ये प्रॉब्लम हुए प्योर सॉल्वेंट का क्या था वेपर प्रेशर हाइयर था सोल्यूशन का डिक्रीज हो गया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लोअर था इसका क्या हो गया इंक्रीज हो गया प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हाइयर था इसका क्या हो गया डिक्रीज हो गया सोल्यूशन का तो ये हमें चेंजेस दिखे तो, तो चलो कभी कभी डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आता है क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन विद डायग्राम द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर लोवरिंग तो वेपर प्रेशर लोअरिंग के टर्म में देखो क्या होगा वेपर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का क्या किया है अगेन वही ग्राफ हमने ड्रॉ किया है द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन दिस डायग्राम तो यहाँ पे इसे क्या किया है ड्रॉ किया है तो यहाँ पे डायग्राम में क्या है डायग्राम में हमें तीन कर्व दिखेंगे तो कर्व जो ए बी होगा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए बी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ए बी होता है ये वेपर प्रेशर कर्व है सॉलिड सॉल्वेंट के लिए तो ये वेपर प्रेशर किसके लिए होगा सॉलिड सॉल्वेंट तो जब आपका सॉल्वेंट क्या है सॉलिड कंडीशन में होगा दूसरा जो कर्व है वो है सीडी सीडी ये जो कर्व है ये सीडी कर्व क्या है इट इज वेपर प्रेशर कर्व है फॉर द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट ये है फॉर प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के लिए ये कर्व उसके बाद तीसरा जो कर्व है वो कव है यहाँ पे ई एफ ई एफ जो कव है ये किसके लिए है ये सोल्यूशन का कव है तो वेपर प्रेशर कव फॉर द सोल्यूशन तो यहाँ पे देखो ये हमेशा क्या होगा लाइज बिलो द वेपर प्रेशर कव ऑफ द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट तो इसके हमेशा क्या होगा ये नीचे ही लाए होगा प्योर सॉल्वेंट के नीचे तो अभी देखो द कव ए बी एंड सी डी इंटरसेप्ट एट द बी पॉइंट तो यहाँ पे देखो ये है ए बी और सी डी इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं इंटरसेप्ट कर रहे एक दूसरे को तो ये पॉइंट क्या है इंटरसेप्ट पॉइंट है यहाँ पे तो ये इंटरसेप्ट करेंगे सॉलिड फेस एंड द प्योर सॉल्वेंट तो यहाँ पे क्या होगा इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम तो वहाँ से एक डॉटेड लाइन हमने नीचे डाली तो ये क्या हो गया टी नॉर्ड एफ हो गया तो यहाँ पे क्या है इक्विलिब्रियम रीच करेगा यहाँ पे दो फेजेस जो होंगे उनका वेपर प्रेशर सेम होगा मतलब सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे सेम होगा बी पॉइंट पे उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्या होगा रीच होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्या होगा रीच होगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा करस्पॉन्डिंग टू बी ये होगा टी नॉड एफ इसे क्या कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो ये क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है किसका सॉल्वेंट का जब इंटरसेप्ट करेगा और यहाँ पे क्या होगा इक्विलिब्रियम रीच होगा जब दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा वो टेम्परेचर क्या होगा इसे हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे जिसे टी नॉट एफ से डिनोट किया जाता है सिमिलरली देखो ये जो ए ये जो है ई e पॉइंट यहाँ पे कौन इंटरसेप्ट करेगा सिमिलरली एट ई एफ एंड ए बी आर इंटरसेप्ट ई एफ और ए बी इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं इंटरसेप्ट कर रहे थोड़ा सा ये पॉइंट ऐसे दिखाना था एक्चो तो इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं वो इंटरसेप्ट कर रहे तो कौन इंटरसेप्ट कर रहा है मैं ई e यहाँ पे लिख देती हूँ ई पॉइंट पे कौन इंटरसेप्ट कर रहा है देखो ई e पॉइंट पे ए बी ये ए बी है और ये क्या है ई एफ ए ये दोनों क्या कर रहे हैं इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं वहाँ से एक डॉटेड लाइन नीचे आ गई तो ये क्या होगा ये दो जहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे वहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूशन का क्या होगा इक्विलिब्रियम सॉल्वेंट और सोल्यूशन का क्या होगा इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे क्या होगा सेम होगा दोनों का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा तो इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे इसे कहेंगे टी एफ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तो यहाँ से हमें क्लियर पता चलता है डायग्राम से जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोलूशन का ये क्या है लोअर यहाँ पे देखो लोअर है वेपर प्रेशर इसका कम है लोअर दैन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज टी नॉट एफ बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लाई बिलो द सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बिलो है और ये जो डिफरेंस होगा इसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है इसे दिखाया जाता है बाय दिस फॉर्मूला तो ऐसे तीन कारो हमने एक साथ ही ड्रॉ किए और यहां से पता चला कि वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्वेंट का ये लोअर होगा वेपर दे वेपर प्रेशर और, और वेपर प्रेशर सॉरी ये जो सोल्यूशन का क्या होगा लोअर होगा इससे तो इस पे और एक क्वेश्चन आता है वाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर बाय डिजॉलिंग नॉन होल्यूट इन टू इट क्यों कम हो जाता है तो एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं अमॉन्ग द मोलिक्यूल दैट इज इनफ टू कॉज द चेंज ऑफ फेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड जैसे ही कोई लिक्विड क्या होता है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो पार्टिकल क्या होने लगते हैं यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगते हैं क्लोज आने लगते हैं तो तभी तो क्या हो सकते हैं लिक्विड से वो सॉलिड में क्या हो सकता है कन्वर्ट क्लोज पैकिंग होने लगता है तो क्या होगा सोल्यूशन में जो सॉलवेंट के मोलिक्यूल होते हैं वो सेपरेट होते सोलिड uh, मोलिक्यूल से और यहाँ पे जो सेपरेशन होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इन ये क्या होता है ज्यादा होता है द प्योर सॉल्वेंट मतलब आपने जैसे नॉन सब्सटेंस को ऐड कर दिया तो पार्टिकल में वो प्रेजेंट हो जाएंगे तो वो सेपरेशन दिखाएंगे पार्टिकल में इसका रिजल्ट क्या होगा डिक्रीजिंग एट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब ये दो मोलिक्यूल थे इन दोनों को अट्रैक्ट होके क्लोज होना था लेकिन इनके बीच में कोई नॉन होलाटाइल सब्सटेंस आ गया तो इनका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा उसकी वजह से कम हो जाएगा तो इनका अट्रैक्शन क्या हो गया कम हो गया बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नॉन होलाटाइल सॉल्वेंट तो इसकी वजह से क्या होगा जो टेम्परेचर होगा सोल्यूशन जो लोअर करेगा फ्रीजिंग पॉइंट को इन पार्टिकल को क्लोज लाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे लोअर होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या होता है लोअर होता है दैन डिजॉल्विंग इन नॉन होलाटाइल सोल्यूट इन टू इट तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये कम हो जाएगा तो इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का लोअर्ड होता है कम हो जाता है बाय एडिशन ऑफ नॉन होलाटाइल सॉल्वेंट क्योंकि नॉन होलाटाइल सॉल्वेंट क्या करता है पार्टिकल के अट्रैक्शन को कम कर देता है इसीलिए ऐसा हो जाएगा तो चलो अभी देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का क्या रिलेशन है तो कभी कभी क्वेश्चन आता है विद द इक्वेशन रिलेटिंग फ्रीजिंग राइट द इक्वेशन रिलेटिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन तो क्या है फॉर द डायलोटेड सोल्यूशन डायलोटेड सोल्यूशन के लिए क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन दैट इज डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन तो क्या होगा डेल्टा टीएफ जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते तो मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन कब जब सोल्यूशन क्या होगा डायलोटेड होगा तब अब ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालना है तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम ले रहे एक कांस्टेंट के एफ इज द कांस्टेंट नोन एज प्रपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये फॉर्मूला भी हमें यूज करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल तो यहाँ पे एम क्या होगा एम सोल्यूशन की क्या होगी मोलैलिटी होगी डेल्टा टी एफ क्या है यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड के एफ सबसे इंपॉर्टेंट के एफ जो है ये क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है इसे क्या इसका और एक नाम है दूसरा नाम जो है इसका तो इसे कहा जाता है क्रायोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक कॉन्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इब्बलोस्कोपिक कॉन्स्ट ये क्या है क्रायोसोपकोपिक कॉन्स्टंट तो के एफ क्या है क्रायोस्कोपिक है तो ये क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टंट तो ये फॉर्मूला है डायलोशन पे क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी सो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी तो हमने क्या किया प्रपोर्शनैलिटी के साइन निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिया एक कॉन्स्टेंट लिया जिसे क्या कहा जाएगा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑल ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट तो चलो क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या है इस इसपे भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन होता है वॉट इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट राइट इट्स यूनिट तो क्रायोस्कोपिक क्रायोक्ट को के एफ से दिखाया जाता है इसी का मीनिंग है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट तो क्या होगा द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस वेन वन मोडल सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जब क्या होगा जो सोल्यूशन uh, होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन जब वन मोडल होगा तब डिप्रेशन जो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो किसके इक्वल हो जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के तो हमने फॉर्मूला अभी देखा था डेल्टा टी एफ जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ जो कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है इनटू मोलैलिटी बट मोलैलिटी अगर वन मोलल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ तो इसी से ये लिखा गया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय वन मोलल ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ नॉन होलाटाइल सोल्यूट तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल तो उसे क्या कहा जाएगा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्ट यूनिट देखते हैं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के लिए तो क्या हो जाएगा देखो के एफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन क्या होगा एम होगा तो देखो के एफ के लिए क्या यूनिट हो जाएंगे डेल्टा टी अफ, एफ एफ छोटा है डेल्टा टी एफ का क्या होगा यूनिट ये तो होगा केल्विन में और ये क्या होगा किलोग्राम पर मोल में होगा तो यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के भी यूनिट सेम ही होंगे केल्विन किलोग्राम पर मोल तो दोनों इबिलोस्कोपिक एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के यूनिट क्या है सेम ही है तो के एफ एंड द डेल्टा टी एफ का डिफरेंस जो होगा आ, तो ये के एफ भी क्या होता है डिफरेंस ही होता है तो इस डिफरेंस को आप चाहे डिग्री सेल्सियस में कंसिडर करो या केल्विन में कंसिडर करो सेम ही आएगा तो डिफरेंस जो होगा सेम आता है डिग्री सेल्सियस केल्विन इसीलिए जब भी हमें डिफरेंस लेना होता है तो कन्वर्जन नहीं करना है डायरेक्ट जो वैल्यू है एक से दूसरे को माइनस करो तो हमें तुरंत क्या है डिफरेंस मिल जाता है तो के एफ एंड डेल्टा टी एफ दोनों का डिफरेंस जो होता है दो टेम्परेचर का डिफरेंस है इसीलिए जो इनके बीच इनकी जो वैल्यू होती है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस के लिए सेम ही होती है चलो अभी ये देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो मोलर मास सोलूट का जिसे एम टू से डिनोट किया जाता है उसमें और इसमें क्या है तो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है डेल्टा टीएफ ये हमने अभी देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इसलिए इसे हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम के एफ क्या है कांस्टेंट है एंड एफ स्मॉल एम क्या है मोलैलिटी ओके ये तो हमें पता है दूसरी बात कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो यहाँ पे समझ लो फिर से एक बार बता रही हूँ मैंने हर बार बताया आपको सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट को अगर ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा सोल्यूशन इस कंडीशन में आपका सॉल्वेंट प्योर होता है और सोल्यूट क्या होता है नॉन होलाटाइल होता है तो इनका मास देन आ, मोलर मास मास मतलब वेट मोलर मास देन नंबर ऑफ मोल्स तो इसके लिए आप क्या करोगे W1 वन कंसिडर करोगे ये W2 हो जाएगा ये M1 होगा ये M2 होगा ये N1 होगा ये N2 होगा ये याद रखना है तो सोल्यूट का हमेशा सेकंड लेना है सॉल्वेंट का हमेशा वन लेना है तो एज करो सपोज वी प्रिपेयर होल सोल्यूट इन डब्ल्यू वन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट तो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन डब्ल्यू वन क्या हो जाएंगे सो एन टू इज इक्वल टू क्या होंगे मास गिवन मास कितना है डब्ल्यू टू डिवाइड बाई मोलर मास मोलर मास क्या है एम टू तो इसके लिए एन टू ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स और हमें क्या करना है मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है सॉल्वेंट हमें किस में चाहिए सॉल्वेंट uh, का मास हमें मास ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए सो मास ऑफ सॉल्वेंट देखो मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा ये हो जाएगा W1 ग्राम ये देखो ग्राम बट हमें ये ग्राम में नहीं चाहिए हमें ये किलोग्राम में चाहिए तो हम क्या करेंगे इसे 1000 से डिवाइड करेंगे सो so, w1 वन अपॉन वन क्या हो जाएगा ये किलोग्राम अगर ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करते तो ये हो जाएगा w1 वन बाय वन किलोग्राम तो ये हमें ये मिला तो हमें क्या करना है अभी हमें मोलालिटी का जो फॉर्मूला है वो देखना है तो ये समझ में आया होगा इसे मैं मिटा देती हूँ अभी तो मोलैलिटी क्या होती है मोलालिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलालिटी क्या होते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है इसीलिए सेकंड जो वीडियो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का वो देखना जरूरी है अपॉन होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम सॉल्वेंट का मास किस में चाहिए किलोग्राम में चाहिए तो चलो मोल्स ऑफ सोल्यूट अभी हमने निकाली ये हो जाएगा डब्लू टू अपॉन एम टू और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा W1 वन अपॉन वन थाउजेंड री राइट करो इसे तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 थाउजेंड डब्लू टू अपॉन डब्ल्यू वन एम टू तो ये हमें क्या मिली M की वैल्यू मिली ये क्या होगी मोल पर किलोग्राम में होगी ये वैल्यू तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है अभी तो चलो ये वैल्यू को पुट करते यहाँ पे तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू क्या होगा के एफ इंटू वन थाउजेंट डब्लू टू अपॉन डब्लू वन एम टू तो डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे वन थाउजेंट के एफ़ डब्लू टू अपॉन डब्लू वन एम टू ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है ओके okay. बट हमें किस क्या चाहिए यहाँ पे एम टू के लिए चाहिए सो एम टू के लिए क्या हो जाएगा देखो एम टू इज इक्वल टू इन दोनों की जगह चेंज करने से वन थाउजेंड के एफ डब्लू टू अपॉन डब्लू वन डेल्टा टी एफ सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द मोलर मास ऑफ सोल्यू तो हमें यह फार्मूला यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स तो बाय नोइंग द ऑल क्वांटिटीज वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोलर मास दैट इज द एम टू ऑफ द सोल्यूट इसे हम इजीली क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं और एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन क्या है देखो अभी हमने फॉर्मूला देख लिया तो क्वेश्चन क्या है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वाइल कंसिडरिंग बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन तो बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन को जब हम कंसिडर करते हैं तब एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तो बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दोनों ने दोनों में भी हमने क्या किया जो सोल्यूशन था उस सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया मोल्यालिटी में एक्सप्रेस किया हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्यालिटी था नॉट मोलैरिटी मोलियरिटी क्यों नहीं लिया हमने मोलालिटी क्यों लिया ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है देखो एक्सरसाइज का है वाइल कंसिडरिंग बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन and the freezing point depression the solution concentration is expressed in molality not in molarity why aisa kyu kiya gaya to sabse pehla boiling point elevation and freezing point depression hai dono bhi kya kar rahe deal with the system whose temperature is not constant. तो दोनों भी ऐसे system के साथ deal कर रहे हैं ऐसी सिस्टम जहाँ पे क्या है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है टेम्परेचर बिल्कुल भी कॉन्स्टेंट नहीं है एक जगह पे डिक्रीज हो रहा है एक जगह पे इंक्रीज हो रहा है सो वी कैन नॉट एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोलियरिटी बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर मोलरिटी भी क्या होता है टेम्परेच टेम्परेचर uh, के साथ चेंज होता है तो मोलरिटी क्यों नहीं यूज करते हम क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है तो मोलरिटी किस पर डिपेंड होता है टेम्परेचर पर डिपेंड होता है इसीलिए हम यहाँ पर क्या है मोलैरिटी को कंसिडर नहीं कर सकते हम कंसिडर कर रहे हैं मोलालिटी को तो मोलालिटी क्या है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है तो ये है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इसीलिए हम कह सकते हैं वाइल कंसिडरिंग बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन मोलैलिटी बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नॉट ऑन मोलैरिटी मोलैरिटी क्या है टेम्परेचर पे डिपेंड है दोनों कंडीशन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है अगर हम मोलैरिटी लेते तो मोलैरिटी चेंज हो जाता क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इसीलिए लिए यहाँ पर क्या किया सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मोलैलिटी में क्या किया एक्सप्रेस किया तो आज के लिए इतना ही था बच्चों आज हमने क्या किया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसे अच्छे से देख लिया और हमने दो तीन क्या है यहाँ पे फॉर्मूले भी डिराइव कर लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए नोट्स बनाइए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच